दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना कार्य हुआ है इसमें मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और वह कैसे हुआ है स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपको यह नुकसान उठाना ना पड़े। दोस्तों सबसे पहले नुकसान की बात करें कस्टमर की, तो यहाँ पर सबसे पहली गलती क्या है कि जो गेट फिक्स किया है जिन कॉलम के ऊपर उन दोनों कॉलम का अलाइनमेंट ठीक नहीं है और जब उन्हें फिक्स किया होगा तो प्रॉपर कॉम्प्रेक्शन के साथ कॉन्क्रीटिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है गेट के होल पास वाली जगह पर क्रैक्स आ रहे हैं और होल पास क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉलम की स्ट्रेंथ बिल्कुल आई नहीं है, कॉलम ना तो अलाइनमेंट में खड़ा किया है और ना ही गेट को अच्छे से फिक्स किया है। तो दोस्तों इन दोनों कॉलम को ब्रेक करना होगा और यहाँ गेट की फिक्सिंग फिर से करना होगा। दोस्तों इसके बाद बात करें इस साइट पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक की गई है वह की है इस जीने को बनाने में। इसमें जो कंक्रीट यूज किया है उसे बिना कॉम्पेक्शन के साथ यहाँ पर कास्ट कर दिया गया है। दोस्तों बिना कॉम्पेक्शन के कोई भी कार्य होगा तो याद रखिए दोस्तों उसके अंदर एयर वॉइड्स रहेंगे, मींस आपका कंक्रीट डेंस नहीं बनेगा और उसकी मजबूती भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्य हुआ है और वाटर सीमेंट रेशियो तो दोस्तों मेंटेन किया ही नहीं है, कहीं पर ड्राई कंक्रीट डाल दिया है तो कहीं पर ज़्यादा पानी वाला कंक्रीट को जो है डाल दिया है, जिससे क्या होगा दोस्तों आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वह यूनिफॉर्म नहीं आएगी। और दोस्तों जो राइजर और ट्रेड होता है उसका साइज भी एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे जो है बंदा चढ़े तो उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पर साइज भी यूनिफॉर्म नहीं है और ना ही दोस्तों लैंडिंग के नीचे किसी प्रकार का बीम दिया है ताकि जिस पर लैंडिंग रेस्ट कर सके। तो अगर इस पर भार बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो यह कोलैप्स भी हो सकता है, यह गिर भी सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों कार्य ना करें, किसी अच्छे मिस्त्री को कार्य दे, और यह कम रेट में देने की वजह से पूरा नुकसान हुआ है कस्टमर को। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो एक बार में कार्य अच्छे से हो सकता है वह दोबारा में कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी आयु और इसकी मजबूती हम नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको दोस्तों कार्य अच्छे से करवाना है तो आपको अच्छा मिस्त्री का चयन करना होगा जिसे अनुभव हो, साथ साथ दोस्तों उससे अच्छा भी पैसा देना होगा ताकि वह कार्य आपका गुणवत्तापूर्वक कर सके, क्योंकि जिस मिस्त्री को आपने कार्य दिया था उसके पास प्रॉपर सेटअप नहीं था, ना ही उसके पास शटरिंग मटेरियल था और ना ही उसके पास वाइब्रेटर था, साथ साथ दोस्तों अनुभव की उसके पास कमी थी, जिसकी वजह से आपको यह नुकसान उठाना पड़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब कभी आप कार्य करें तो सोच समझ कर मिस्त्री का चयन करें। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।